साइट। अगर आप हमारी टेक न्यूज देखते हैं रेगुलरली तो आपको जरूर पता होगा कि Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है इंडिया में 4 मार्च को। जी हाँ, और इसमें 3 मॉडल्स लॉन्च होंगे, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे Redmi Note 10 में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, पर इससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 10 के प्राइस की। ये आपको मिल जाएगा 16,999 रुपए में अगर लीक्स की बात करें तो। इसमें आपको मिलेगा 4GB मेमोरी और 64GB स्टोरेज। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इस फोन में आपको मिलेगा काफी बड़ा स्क्रीन साइज, 6.53 इंचेस का स्क्रीन मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको LCD डिस्प्ले नहीं मिलेगा बल्कि AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, पहली बार Redmi Note 10 लेकर आ रहा है। साथ ही साथ 600 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी और बेजल लेस डिस्प्ले है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस आप खुद ही सोच सकते हैं कितना शानदार रहने वाला है। चलिए अगर आप यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 678 का फास्ट प्रोसेसर। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी कर पाएंगे, एप्स खोलने या बंद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 2 GB की मैक्सिमम स्पीड ये क्लॉक करता है। साथ ही जैसे मैंने बताया 4GB की रैम है, तो मल्टीटास्किंग जो है वो सीमलेस रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो OS आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है Android 10। यहाँ पर दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो 5050 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको एक फास्ट चार्जर भी मिलेगा और टाइप सी केबल भी मिलेगी चार्जिंग के लिए। अब मैं अगर इतनी बैटरी की बात करूं तो ये आपको 1.5 दिन तो आराम से ही चल जाएगी अगर आप एक रेगुलर यूजर हैं, यानी कि आप नॉर्मल कॉल्स या मेल्स ही करते हैं, और अगर आप हैवी यूजर हैं यानी कि काफी ज्यादा गेमिंग करते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं तो भी ये आपको 1 दिन तो चल ही जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा सेटअप की, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी फोन को सेलेक्ट करते हुए। इसमें आपको बहुत ही शानदार कैमरा सेटअप मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें कि प्राइमरी कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही 8+5+2 का दूसरा कैमरा सेटअप भी मिल रहा है। अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो इसमें आपको मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो आप शानदार सेल्फीज खींच सकते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। अगर मैं बात करूं इस प्राइस पॉइंट की जो कि 16,999 है, तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है Snapdragon 678 और क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो भी काफी अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको जो स्क्रीन मिल रहा है वो काफी बड़ा 6.53 इंच का और AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं Redmi की पिछली सीरीज की बात करूं Redmi Note 9, तो वो भी काफी सुपरहिट रही थी इंडियन मार्केट में। Redmi Note 9 Pro नंबर 1 बेस्ट सेलिंग फोन रह रहा है अभी तक भी मार्केट में। उस हिसाब से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है Redmi Note 10 से, एंड आई एम श्योर कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा जरूर उतरेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, इसका डिटेल रिव्यू करेंगे हमारे चैनल पर जब भी हमारे पास रिव्यू यूनिट आ जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।